वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। उसमें आप अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, उसमें आप निवेश कैसे करेंगे, उसका बेनिफिट्स क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, ये पूरा चीज हम आज जानेंगे। और उसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो का एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जिसको यूज करके आप उस निवेश से ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ चलते हैं बैंक में पहले अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, तो देखिए दोस्तों, हम लोग निकले हैं बाहर। सुकन्या समृद्धि योजना का जो फॉर्म है वो लेने जा रहा हूँ मैं बैंक में, और मैं पासबुक भी अपना लाया हूँ साथ। तो हम जाएंगे, मेरा बैंक में जाएंगे और वहाँ पे जाके जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, और वहाँ पे फॉर्म कलेक्ट करेंगे अकाउंट ओपनिंग का, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे अकाउंट ओपन करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं ये बैंक आ गया हूँ, SBI। तो उसके अंदर जाते हैं और अकाउंट का फॉर्म कलेक्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं अभी बैंक के बाहर हूँ। मैं बैंक से ये फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए वो ले लिया हूँ। तो इसको विस्तार में देखेंगे, इसमें क्या क्या है, कैसे फिल करना है, और उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर है, वो डिटेल्स में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बैंक से आ गया हूँ ये फॉर्म्स आप लोगों के लिए कलेक्ट करके। तो डिटेल्स में हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है। आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ओपनिंग सुकन्या समृद्धि योजना। ऐसे एक फॉर्म आपको मिलेगा जो पहले एक लेटर हेड के तरह है, यहाँ पे आपको दिया जाएगा टू द मैनेजर, जो ब्रांच में आप ओपन करेंगे उसका नाम लिख के। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि डिटेल्स ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट में क्या नेम है वो सब रख के आप, ये बेसिक एक फॉर्म है, ये आपको फिलअप करके यहाँ पे साइन करके आपको बैंक में देना है। इसी के साथ और दो फॉर्म आएगा, यहाँ पे पार्ट वन और पार्ट टू करके दो फॉर्म आपको दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं SBI से लेके आया हूँ। पार्ट वन में क्या रहेगा, आप देखिए, आपका ये जो आपका जो चाइल्ड है उसका नेम, यहाँ पे आपका उसका जो फोटो है वो आपको एफिक्स करना पड़ेगा, आपका जो बेटी है उसका फोटो एफिक्स करने पड़ेगा, और यहाँ पे उसका नाम, बेसिक डेट ऑफ बर्थ, आपका अगर आधार है तो आधार नंबर, अगर नहीं है तो चल सकता है, आप ये मैंडेटरी नहीं है, आप सिर्फ अपना बर्थ सर्टिफिकेट यूज करके भी ये ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आप लोगों का जो आप फादर है उसका डिटेल्स, आपका पेरेंट्स का डिटेल्स, जो मतलब बच्चे का पेरेंट्स का डिटेल्स, ये सब वगैरह चाहिए। ये बेसिक KYC जैसा फॉर्म है अकाउंट ओपनिंग का, बहुत ही बेसिक यहाँ पे फॉर्म है। तो ये सब कुछ फिलअप करके आप देख रहे हैं, दो तीन पेज का ये फर्स्ट पार्ट वन का जो फॉर्म है ये आप देख सकते हैं, पार्ट वन का फॉर्म है, ये आप फिलअप करके वहां पे डाल सकते हैं। और सेकेंड एक फॉर्म आता है जो ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को अपना जो अकाउंट का अपना जो डिटेल्स है वो देना पड़ेगा। अगर आपका उस बैंक में ही खाता खुला हुआ है तो ये बहुत इजी हो सकता है, सिर्फ आपको बेसिक चीज यहाँ पे भरना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे साइन करके ये जो तीन फॉर्म है ये तीनों चीज आपको वो काउंटर में जमा कर देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो ये तो था अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर। और मैंने जब पूछा अकाउंट ब्रांच मैनेजर को कैसा कितना टाइम लगता है, तो वो लोग बोला ये जल्द से जल्द ओपन हो सकता है, एक बार डॉक्यूमेंटेशन अगर आप दे देंगे तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है ओपन करने में। कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोगों के लिए, पहले जो आपका बेटी है उसका अगर आधार बनवाया है तो आधार चाहिए, अगर आधार नहीं बनवाया है तो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी आप लेके जाइए, विथ ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जाइए, और कॉपी एक जेरोक्स कॉपी भी लेके जाइए। और आप जो गार्जियन है, गार्जियन का KYC के लिए गार्जियन का एक एड्रेस प्रूफ और एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार दे सकते हैं, अपना DL दे सकते हैं, आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड ये सब दे सकते हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, जो बेसिक होता है ये सब दे के पेरेंट्स का, और बच्चे का सिर्फ आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, और आधार अगर है आपके बेटी का ऑलरेडी तो वो लेके जाइए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये था अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर। अब ये कितना सालों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, देखिए ये 15 साल का तक आप लोग निवेश कर सकते हैं, मतलब बेटी का जब तक
आपका जो एलिजिबिलिटी है, जो आपका बेटी है उसका जो उम्र है वो 10 साल से नीचे होना चाहिए, तभी आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये किसी भी बैंक में जाके आप ओपन कर सकते हैं, जो भी बड़ा बड़ा जो भी बैंक है राष्ट्रायत्त बैंक जैसे PNB है, SBI है, और जो जो प्राइवेट बैंक है ICICI, HDFC, एक्सिस, सभी बैंक, ये ज्यादातर बैंक ये खाता आप ओपन कर सकते हैं। जो बेटी का उम्र अगर 10 साल से नीचे है तो आप ये ओपन कर सकते हैं। आपका बेटी का उम्र अगर एक महीना भी है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट आपने बना लिया है, उसका नेम आपने बना लिया है, तो आप जाइए बैंक में और जितना जल्द हो सके ये अकाउंट आप ओपन कर दीजिए। इसके बाद जो आपको निवेश पीरियड होगा, निवेश आप 15 साल तक करना पड़ेगा। आपको 15 साल तक आप निवेश करेंगे और इसका जो मैच्योरिटी है वो 21 इयर्स में वो मैच्योरिटी होगा। लेकिन इसमें कुछ प्रावधान है, कुछ कंडीशंस है, उसके अंदर कुछ स्पेशल बात है जो मैं आप लोगों के साथ अभी बोलने जा रहा हूँ। देखिए 15 साल तक आप ये निवेश करेंगे, लेकिन और आपको जो मिनिमम निवेश करना है वो एक पूरा फिनेंशियल ईयर में 250 रुपए, ये मिनिमम है। ये देके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक पूरा साल में दे भी सकते हैं 250 रुपए, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और ये 80C के तहत टैक्स फ्री है। ठीक है, वो मैं बेनिफिट के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, पहले तो जान लेते हैं कितने समय तक आपको निवेश करना पड़ेगा। तो 15 साल तक आप जितने भी अमाउंट जोड़ेंगे, आपका मान लीजिए आपका बेटी का उम्र 8 साल है, ये तो आपको और 15 ईयर तक ये आप अकाउंट चला सकते हैं। उसके बाद आप निवेश को बंद कर सकते हैं, निवेश और नहीं करने का जरूरत है। लेकिन आपका जो मैच्योरिटी होगा वो 21 ईयर्स बाद में होगा। लेकिन इसमें एक कैच है, जब आपका बेटी का उम्र 18 साल हो जाएगा तब आप वहां से कुछ अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं। ये अमाउंट आप कैसे विथड्रॉ कर सकते हैं, 50% अमाउंट आप विथड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आप दिखा सकते हैं, ये दो कंडीशंस में हो सकता है, एक है आपका हायर स्टडीज के लिए आप विथड्रॉ कर सकते हैं, और एक है अगर शादी हो गया तो आपको अकाउंट को क्लोज अप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे एडुकेशन के बारे में, क्योंकि 18 साल की उम्र में ज्यादातर होता है कि हम स्कूल पास होके आपका कॉलेज लाइफ स्टार्ट होता है, तो एडुकेशन के लिए पैसा का जरूरत होता है। तो जब भी आपका 18 साल होता है बेटी का, निवेश का 18 साल नहीं, आपका बेटी का 18 साल, मान लीजिए 8 साल आपका बेटी का उम्र है तब से आप निवेश करना चालू किया, तो 18 साल होने में 10 साल ही बचेगा, तो 10 साल तक आप अगर निवेश कर चुके हैं तब भी आप 18 साल होने के बाद आप वहां से 50% अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट की जरूरत है, मान लीजिए आप कहीं कुछ यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लिए हैं, उसका कुछ प्रूफ दिखा दीजिए, या बोलिए आप एप्लीकेशन फॉर्म एक रहेगा, सिंपल फिलअप कीजिए और वो अमाउंट आपका सेविंग्स अकाउंट में आ जाएगा, आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो और एक चीज है, अगर आप बेटी का शादी हो गया तो ये अकाउंट आपका वहां पे क्लोज हो जाता है और आपका जो पूरा अमाउंट है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैं नेचुरल केसेस में बोलता हूं, 21 इयर्स में जो जब आपका अकाउंट चलेगा पूरा 21 इयर्स तक, तब आपका फुल मैच्योरिटी होता है और उसके बाद आप पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं, और 18 साल में आप 50% अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अभी जान लेते हैं इसका बेनिफिट्स के बारे में। देखिए ये जो है ये 1.5 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं, तो 1.5 लाख निवेश मतलब है आपका 80C के अंदर आपको पूरा टैक्स छूट मिलता है। ये और ये ईई कैटेगरी में आता है, एग्जेम्प्ट, मतलब आप जितना अमाउंट निवेश करेंगे वो 80C के अंदर तो टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा ही, उसके ऊपर जितना अमाउंट आपको पूरा वो अमाउंट में जो ब्याज मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी आपका टैक्स फ्री रहने वाला है। और उसके बाद मैच्योरिटी होने के बाद अगर जो भी अमाउंट आपको मिलेगा वो भी पूरा टैक्स फ्री होने वाला है, तो कुछ भी टैक्स आपको देने नहीं पड़ेगा, और 1,50,000 तक आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा 80C के तहत। अब जान लेते हैं इसमें आप कितना प्रतिशत ब्याज दर मिल रहा है करंटली। देखिए गवर्नमेंट जो है प्रति तिमाही 3 महीने के बाद ये जो उसका इंटरेस्ट रेट है उसको रिवाइज करते हैं, तो करंटली जो मिल रहा है 8.4 चल रहा है, तो हम 8.5 मान के चलते हैं। जब ये 2015 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद में 9.1 तक भी ये इंटरेस्ट रेट गया था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है 8.4।
तो 8.4 अगर हम मान के चलेंगे, इतना आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, जो पीपीएफ के मुकाबले ज्यादा आपका हमेशा होगा। ये गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन ही है कि पीपीएफ में आपको जो भी मिलेगा उस साल के लिए, उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको सुकन्या समृद्धि योजना में दिया जाएगा। तो ये तो हुआ इंटरेस्ट रेट में। अभी देखिए आप कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक का वेबसाइट में आप जा सकते हैं, HDFC बैंक या ICICI किसी भी बैंक का वेबसाइट में जाके कैलकुलेशन कर सकते हैं। वहां पे कैलकुलेटर दिया जाता है, आप देखेंगे वहां पे कितना आप निवेश कीजिएगा। मान लीजिए मंथली आप 5,000 निवेश करना चाहते हैं या सालाना एक बार में आप कुछ अमाउंट निवेश करना चाहते हैं, तो पूरा मैच्योरिटी के टाइम आपका कितना अमाउंट होगा मैच्योरिटी के बाद, वो पूरा डिटेल आपका कैलकुलेटर में दिया जाएगा। यहाँ पे आप साइड में देखिए, मैं HDFC का एक स्क्रीनशॉट दिया हूं आप लोगों का रेफरेंस के लिए। तो अभी हमारा क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो मेरे हिसाब से हमें से निवेश जरूर करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे पास कुछ फिनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रहता है। हम लोग मान लीजिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया अपने बेटी के लिए या कुछ दूसरे FD में निवेश किया, होता क्या है हम लोग ये 15-20 साल तक ना उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को क्या होता है, उसके अंदर ही म्यूचुअल फंड को तोड़ देते हैं या फिर FD को तोड़ देते हैं, या FD को 5 साल तक मान लीजिए किया, उसके बाद वो अमाउंट लेके दूसरे कुछ अकाउंट में डाल दिया। तो हम लोगों के पास डिसिप्लिन नहीं रहता है। अगर आप डिसिप्लिन वे से अपना चाइल्ड के भविष्य के बारे में कुछ करना चाहते हैं, तो इस स्कीम को जरूर अप्लाई कीजिए, जरूर इसमें खाता खुलवाइए और उसमें निवेश करना चालू कीजिए। थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही सही, देखिए 250 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अमाउंट जोड़ते जाइए, जितना भी मंथली आपको मिलता है या ईयरली मिलता है, कुछ भी अमाउंट आपको अगर बोनस मिलता है वो अमाउंट आप डाल के जाइए, तो बेटी का पढ़ाई और उसका शादी में आप लोगों को जरूर मदद मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो इसमें जरूर आपको निवेश करना चाहिए, और इसमें जो ब्याज दर है वो पीपीएफ से ज्यादा मिलता है। तो चलिए एक टिप्स जो मैं बोलने वाला था वीडियो के एंड में, तो कैसे आप उसमें बेनिफिट मिल सकता है, आप लोग ज्यादा कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए मान लीजिए आप जनवरी या मान लीजिए कोई भी एक फिनेंशियल ईयर में आप निवेश करना स्टार्ट किए, मान लीजिए वो फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपका अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में जब आप निवेश करने वाले हैं, मान लीजिए 10,000 रुपए आप निवेश करने वाले हैं, तो ट्राई कीजिए कि अप्रैल का 1 से 10 तारीख के अंदर ही आप वो पैसा निवेश करें। ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप 1 से 10 तारीख से पहले ही उसके अंदर निवेश करेंगे, तो अप्रैल मंथ का पूरा जो आपका ब्याज वो पूरा आपका खाते में जोड़ा जाएगा। अगर आप 15 तारीख को अप्रैल 15 को निवेश करते हैं, तो वो जो अप्रैल का ब्याज है वो जोड़ा नहीं जाएगा आपका खाता में, और उसके बाद के महीने में आपका इंटरेस्ट रेट जोड़ा जाएगा। तो एक मंथ का जो आप इंटरेस्ट है वो आप लूज करेंगे। तो ठीक है, 10 तारीख से पहले ही चाहे आप लोग यहाँ पे निवेश कीजिए। तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और भी अगर आपका क्वेश्चन रहा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और देखिए ये हमारा बेटी लोग जो है इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज है, एक स्कीम है। तो इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिए अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी पेरेंट्स और रिलेटिव्स है जहां पे जिन लोगों को बेटी है और अपना निवेश नहीं स्टार्ट किए हैं, उन लोगों के लिए आप जरूर शेयर कीजिए, उन लोगों को हेल्प कीजिए, अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए। ये वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पहुंचाइए, ताकि वो लोग अवेयर हो सके और अपना बेटी के लिए एक सिस्टमेटिक वे से निवेश करे, ताकि उन लोगों को जब पढ़ाई में उसको मदद मिले या शादी के टाइम उसको कुछ मदद मिले। तो ये था पूरा सुकन्या समृद्धि योजना के तरफ से आप लोगों का एक पूरा मैसेज। मैं और भी आप कमेंट मैसेज में लिखेंगे क्या क्या आप लोगों का क्वेरीज है, तो मैं जरूर उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं संजय टॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।